किसी मुजाहिद की सवारी की नकेल बन जाए, मेरा भी हिस्सा पड़ जाए। रमजानुल मुबारक का महीना है, मोहम्मद मदनी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। एक औरत आती है अपने दो बच्चों को लेकर पेश करती है, आप इनको कबूल फरमाए, आप इनको जंग में साथ ले जाएं। मैंने दुआ की है इलाही मेरे यतीमों का नजराना कबूल फरमा। मैदान जंग गर्म है, आपने फरमाया अब्दुर्रहमान इब्ने आप इन दोनों बच्चों को ले जाओ, इनकी माँ का बड़ा जज्बा है, बेवा औरत का बड़ा जज्बा है, उसकी बड़ी मोहब्बत है, अल्लाह उसके रसूल के नाम पर अपनी औलाद को कुर्बान करना चाहती है, इन बच्चों का जरा ध्यान करना। सैयदना माज़ और माउज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दो बच्चे हैं जो औरत ने ला करके पेश किए हैं, मां ने पेश किए हैं, और अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने दाएं बाएं इनको खड़ा किया है। औलाद हो तो ऐसी हो। अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं दाएं तरफ खड़ा होने वाला बच्चा मुझे कहने लगा, चाचा जान हमारे नबी का दुश्मन अबू जहल कौन सा है? मैंने कहा बेटा तुम्हारा क्या मतलब, तुम क्या लोगे? तुम्हारी वालदा ने तुम्हें भेज दिया है, कोई काफिर आकर तुम्हारे गले काट देगा, शहीद हो जाओगे, ठीक है? साहबी कहता है इधर दाई तरफ वाले ने आपका इशारा किया, इधर बाई तरफ खड़ा होने वाला बच्चा तैयार खड़ा था, मैंने उंगली का इशारा किया, वो सर्कस घोड़े पे सवार अबू जहल आ रहा है। साहबी कहते हैं मेरा दाया बाया पासा खाली हो गया, बिजली की तरफ दोनों दौड़ गए, और हालत ये बनी के कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, कसम खाई कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को, सुना है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गालियां निकालता है। तुम क्या चीज लेकर हमला करोगे, तुम्हारे पास क्या चीज मौजूद है? कहने लगे न तेगो तलवार पर तकिया, न खंजर पर न भाले पर, भरोसा है बस एक सादी सी काली कमली वाले पर। देखो तलवार नहीं है, शहंशाह कायनात के फरमान पे यकीन करना हमारा सहारा है, यही हथियार है, यही साजो सामान है। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मेरी नजरों ने देखा अबू जहल की दोनों टांगे काट दी, बच्चों ने नीचे गिरा लिया, और साहबी को आवाज दी हमें गला काटने का तरीका नहीं आता, जल्दी आओ इस काफिर का गला काटो। साहबी ने आगे बढ़कर उसका गला काटना शुरू किया, था काफिर था बड़ा बहादुर, बुजदिल नहीं था, डिल्ला मिल्ला नहीं था, कहने लगा जरा नीचे से गर्दन काटना, जब सर रखे जाएंगे ताकि साफ मालूम दे किसी सरदार का सर है। सहाबा किराम के बच्चों ने अबू जहल को काट मारा, रमजान का महीना था, जंगे बदर था, खुदाबंद आलम ने 5,000 फरिश्ते भेजकर सहाबा किराम की इमदाद की। अल्लाह हम सब की गुरूर और तकब्बुर से हिफाजत फरमाए। आज हम ईमानदारी, उन्होंने जंग किया, उन्होंने काफिरों से रमजान का महीना मनवाया, आज मुसलमान रमजान का महीना नहीं मानते, सिगरेट पीते फिरते हैं,
کھلے بندوں چائے پیتے ہیں, بوتلیں ڈھکارتے پھرتے ہیں. خدا کی قسم اگر اسلامی حکومتوں ان کو کوڑے مارے جائے, ان کو پکڑ کر سزائیں دی جائیں جو رمضان المبارک کی بے حرمتی کرتے ہیں, بے عزتی کرتے ہیں, اور رمضان کی توہین کرنے والوں, اللہ کے بھیجے ہوئے رمضان المبارک کی بے عزتی کرنے والوں, خدا کی قسم قبر میں وہ شدید عذاب بھگتنا پڑے گا جس کی انتہا کوئی نہیں.